हेलो फ्रेंड, लबी 2024 एक बार फिर से सज चुकी है। तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से लबी मेले की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। सफ़ेद ढंग का एरिया अभी बिल्कुल खाली, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेले में। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो अभी देख सकते हैं खाली है पूरी तरह से। अगर आप दूर से आना चाह रहे हैं लबी मेले के लिए तो अभी कुछ दिन रुक लें, क्योंकि अभी पूरी तरह से खाली है रोड। अभी 2-4-5 दिन तक आप वेट करें। यहाँ उसके आगे की सारी शॉप्स खाली हैं। अभी व्यापारी अपनी शॉप्स लगाने में जुट रहे। अब हम मेला ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखते हैं मेला ग्राउंड की क्या स्थिति है। तो ये है लबी मेला ग्राउंड, जहाँ पे अभी झूला सिर्फ इंस्टॉल हो रहा है और एक छोटी सी ट्रेन जिसका बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और पूरा मेला ग्राउंड अभी आप देख सकते हैं, अभी दुकानें सिर्फ सज रही हैं। तो अभी 2-3 दिन तक आप अगर आप ना आए मेले में तो ही बेहतर है। और ये जलेबी पकौड़ों की दुकानें जो अक्सर लग चुकी होती है। गरम गरम पकौड़े के लिए संपर्क करें इन भाई साहब से। कैसे हैं? और ठीक है, बढ़िया। आप बोलो, ठीक ठाक है? हाँ बोलो, आप कैसा चला मिला ढील लाइए कार्यक्रम? हाँ, पूरी सड़क तो खाली है अभी, पूरी पूरी खाली है। चलो 2-4 दिन में देखो, दो चार दिन में बड़ी किन्नौरी टोपियाँ, बुशहरी टोपियाँ, यहाँ पे शॉल, कोट, पेंट। और ये मेन गली खांपा, कल्याणकारी संगठन सरहंड बुशहर, इसका भी आपको बाद में हम दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ किन्नौर मार्केट को देख के लग रहा है कि मेला पूरी तरह से सज चुका है, जो कि राहत देने वाला एक वीडियो दिख रहा है। और ड्राई फ्रूट्स आ चुके हैं तो। और राजमा का क्या रेट है? राजमा है 430। 430। और ये 400। और बादाम? बादाम है 1300 और 1100 में। 1300 और 1100। और अखरोट? अखरोट है 1800। ये 1000 वाला है और ये 800 वाला है। कागजी होते होने तो? बिल्कुल कागजी। कागजी है 1000 से 800 रुपए। तो ये रेट इस बार अच्छे ही है, ज्यादा ज़्यादा नहीं है, जायज रेट है, रीजनेबल रेट है। तो किन्नौर मार्केट से आप खरीदारी कर सकते हैं। और नियोजे का क्या रेट है इस बार? सर इस बार 2000 रुपए किलो चला है। 2000। तो नियोजा आपको 2000 से नीचे नहीं मिल रहा। संगठन का ये गली है, इसमें काफ़ी अच्छे उत्पाद मिलते हैं। और ये मार्केट सजनी शुरू हो चुकी है।
हेलो ये मार्केट भी काफी महंगी रहती है, लेकिन इसमें उत्पाद आपको काफी अच्छा। और ये मेले में प्रदर्शनी है जो कि सिर्फ 14 तारीख तक ही सजती है, उसके बाद ऑफिशियली आपको ये चीज़ मिस करनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप इन प्रदर्शनियों को देख लें समय पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कृषि प्रदर्शनी जो है यह लौकी किंग साइज लौकी और चालू अरबी स्कारलेट एक्स गला रॉयल डिलीशियस रॉयल डिलीशियस वाह कितना बड़ा सेब है, 1 किलो का एक सेब। यहाँ पे प्रोग्राम चलता होगा पशुपालन विभाग ही। और ये देखिए यहाँ पे ये फीमेल शिप और ये है रैम मेल शिप टैग नंबर 300। बहुत बड़ा इसको हम भेडू भी बोलते हैं, खड्डू बोलते हैं। कड़कनाथ जी तो कड़कनाथ यहाँ पे एक नई वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ये है कड़कनाथ और ये बड़ा कलेक्शन बहुत सुंदर प्रदर्शनी। यहाँ पे पशुपालन विभाग की और ये है मेले का स्टेज। जीवन की प्रोजेक्ट वालों की आपने देखा होगा, लेकिन डैम के अंदर के हिस्से की मैकेनिक TRD बहुत खूबसूरत राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी। फाउंडेशन स्टोर सिस्टम तो बाकी मेला ग्राउंड की आपकी स्थिति आपके सामने है, अभी पूरी तरह से खाली है तो अभी आपको रुक के आना पड़ेगा।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी तरह से मेला ग्राउंड अभी खाली है और ये अभी तैयारियां चली हुई हैं, यहाँ पे झूले की चाय आपको मिलेगी बराबर। तो आपको गरम गरम चाय की चुस्की भी मिलेगी और ये सारी गलियां भी खाली पड़ी हुई हैं। 11 नवंबर से जब मेला शुरू होता है 14 नवंबर तक जो ऑफिशियल रहता है उसमें ये प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाती है। 14 नवंबर के बाद यहाँ पे दूसरी दुकानें फिर से सज जाएंगी और पूरा एरिया जो है अलाउट हो जाएगा व्यापारियों को। तो जो डोम है वो डोम भी अभी खाली है, आप देख सकते हैं। तो कुल्लू वाले शॉल वाले तो अभी आ चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा चला मेला? चला है, अभी तो शुरू हुआ है, चलेगा अभी धीरे धीरे। तो इस पूरी लाइन में आपको कृषि से जुड़े, बागवानी से जुड़े ज़्यादातर औजार मिलेंगे। तो अभी 2-3-4 दिन तक आप मेले में ना आए तो ही बेहतर है। अगर नज़दीक है तो आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन अगर दूर से आ रहे हैं अभी देखने के लिए तो अभी आपको मायूसी प्राप्त होगी क्योंकि पूरी तरह से खाली है। वो किन्नौर मार्केट को छोड़ के कोई भी दुकानें अभी नहीं भरी हैं। तो अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे जब मेला भर चुका होगा अच्छे से। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।